कोरबा में सन 1956 में बने प्राथमिक स्कूल का पूर्व छात्रों ने मिलकर कायाकल्प कर कायम की मिसाल। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत बरपाली के सन 1956 में बने प्राथमिक स्कूल जो वर्तमान में बहुत ही जर्जर हो चुका था, यह विद्यालय जिस भूमि में है वह भूमि और भवन को स्वर्गीय जुड़ावन साव के द्वारा गांव में शिक्षा का मंदिर के रूप में दान में दिया गया। वर्तमान में इस भवन को देखने से ऐसा लगता था कि कुछ सालों बाद इसमें विद्यालय का संचालन शायद हो पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही जर्जर हो चुका था। लेकिन यहां से पूर्व में पढ़कर निकले छात्रों ने मिलकर इस जर्जर हो रहे विद्यालय का कायाकल्प करने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर अपना आर्थिक योगदान दिया, जिससे इस विद्यालय में आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। विद्यालय का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के तहत सभी कमरों के फर्श पर टाइल्स, दीवारों में पट्टी कर आकर्षक पेंटिंग किया गया। विद्युत की उचित व्यवस्था भी कराई जा रही है। आगे विद्यालय प्रांगण में बागवानी का कार्य भी कराया जाएगा, जिससे विद्यालय और भी सुंदर तथा मनोरम लगे। सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद शायद ही राज्य में कोई शासकीय विद्यालय ऐसा हो जहां पूर्व में पढ़े छात्रों ने स्वयं के व्यय व सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प किया हो। यह विद्यालय आसपास के क्षेत्र में सबसे पुराना विद्यालय है, जो आज से 65 वर्षों से भी अधिक समय से संचालित है। और इसी बात को लेकर पूर्व छात्रों ने बताया कि यह विद्यालय हमारे जीवन का आधार है। हमने यहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और आज जो भी बने हैं वह इसी की देन है। चूंकि हम पे इस विद्यालय का कर्ज है जिसे चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य करके आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं, जिससे इस विद्यालय में आने वाले हर विद्यार्थी के मन में अपने विद्यालय के लिए कुछ करने का भाव जागे। ऐसे सकारात्मक कार्यों के माध्यम से ही समाज में वैचारिक परिवर्तन आते हैं, जिससे युवाओं के व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसे कार्यों से यह भी देखने को मिलता है कि यदि आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आप में निष्ठा है, तो संगठन में वह शक्ति है जो किसी भी कार्य को कर सके। इसकी मिसाल बनाई है शासकीय प्राथमिक शाला बरपाली में पढ़े हुए भूतपूर्व छात्रों ने, जो आज अलग अलग स्थानों में अलग अलग पेशे से जुड़े होने के बावजूद एक संगठन के रूप में कार्य किया और अपने विद्यालय को फिर से नया रूप दिया। मुझे स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए मिस्टर प्रवीण उपाध्याय जी के द्वारा फोन आया और कहा गया कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का जीर्णोद्धार करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे गांव का स्कूल जिसके लिए मुझे चुना गया, और चूंकि प्रवीण जी एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं बरपाली ग्राम के, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे भी कुछ गांव के लिए करने का अवसर मिल रहा है। तो मैंने तुरंत हामी भरी और स्कूल जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया। टाइल्स कलर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और भविष्य में अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी गांव में या समाज में होता है तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और इसी तरह से डेवलपमेंट होता रहे समाज में एजुकेशन को लेकर, खासकर क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को उठाया जा सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे खुशी है कि ये एक्टिविटी करके जो है मुझे सौभाग्य मिला इस एक्टिविटी को करने के लिए। स्कूल की स्थिति देखी तो मन में ये लगा कि हमारे गांव के बच्चे इतने खराब स्थिति में यहाँ पढ़ रहे हैं, और हमारे मन में एक इच्छा ये उत्पन्न हुई कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्राइवेट बच्चे या शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि नॉर्मली आर्थिक कमज़ोर होते हैं, उनके पीछे में मन में ये अंतर रहे कि ये ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हम किसी कमज़ोर स्कूल में पढ़ते हैं। यह सोचकर हमने इस दोनों स्तर को बराबर करने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुविधा को बढ़ावा दिया। इस स्थिति में मैंने अपने सभी मित्रों को फ़ोन किया और सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे किसी भी मित्र ने मेरे को सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ा, उन्होंने अपना सहयोग आके दे दिया, और उसके बाद सहयोग के बाद आप देखेंगे कि आज स्कूल में टाइल्स, पुट्टी, प्लास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्त सुविधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। हम इसमें चाह रहे हैं कि जैसा हर प्राइवेट स्कूल में एक गार्डन बना होता है, झूले लगे होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए सर्व सुविधाएं दी जाती हैं, तो मैंने अपने सभी मित्रों से पुनः चर्चा कर ली है और हम बहुत जल्द महीने दो महीने के अंदर इसमें एक अच्छा गार्डन डेवलप कर लेंगे। हमारे विद्यालय प्राथमिक शाला बरपाली का स्थिति बहुत
दयनीय था। आज हमारे पूर्व छात्रों द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर निकले हैं, उन सभी छात्रों द्वारा आज विद्यालय प्राथमिक शाला बरपाली का जीर्णोद्धार किया गया। प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प आज अलग से दिख रहा है। सभी जगह सभी कमरों में प्लास्टर और जो नीचे स्तर में टाइल्स लगाया गया है और दीवालों में भी प्लास्टर करकर प्राथमिक शाला भवन का आज उद्धार किया गया है। इसी विद्यालय में सभी जितने भी हमारे जो विद्यार्थीगण पढ़ के आज अनेक पदों पर भी हैं, मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और इसी प्रकार से एक प्रकार से हमारे मनों में विचार आया, जो हमारे मुख्य बड़े भाई हैं हमारे श्री प्रवीण उपाध्याय जी महाराज, उनके द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया गया और उनके आदर्शों पर चलकर उनके साथ रहकर आज गांव के जितने भी जो यहां इस विद्यालय में पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट।